तुमने जो ये नफरत की आग लगाई है, एक घर नहीं, एक गांव नहीं, एक बस्ती नहीं, एक शहर नहीं, इंसानियत को भी जलाई है। नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। क्या तुम मुसलमान हो? बस इतना काफ़ी है आपको मौत के घाट उतारने के लिए। मध्य प्रदेश के नीमच से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग को इसलिए पीटा जा रहा है कि उस पर शक हो गया है कि वो मुसलमान है, जबकि वो मुसलमान नहीं है। और यह कारनामा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लोकल लीडर हैं, लेकिन उनका बाहुबल है। खैर, वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस कदर नफरत का बीज बोया गया। तो देखा आपने, इस बुजुर्ग को इसलिए मारा जा रहा है कि ये शायद मुसलमान है, और नेताजी बार बार पूछ रहे हैं कि तुम मोहम्मद हो, क्या तुम मुसलमान हो, क्या तुम मुसलमान हो, जल्दी बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ। वो बुजुर्ग बार बार कुछ बोल रहा है और रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं माना जा रहा है। लगातार नेताजी का हाथ उस पर चल रहा है। खैर, ये लोग कौन है, कौन साहब है जो मार भी रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, ये भी हम आपको अब ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर किया गया और अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई। अशरफ हुसैन नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है कि मुस्लिम होने के शक में एक बुजुर्ग भंवरलाल जैन की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, बुजुर्ग की मौत भी हो जाती है। मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है, जहां बीजेपी के पूर्व पार्षद का पति दिनेश कुशवाहा एक बुजुर्ग को मुस्लिम होने के शक में पीटते हुए पूछता है, क्या तेरा नाम मोहम्मद है? बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग के मौत होने के बाद वहां के SHO महोदय का भी बयान आता है, उस बयान को भी सुनिए। साहब बोल रहे हैं कि उस शख्स का नाम मुझे नहीं पता है, अज्ञात FIR दर्ज किया गया है, जबकि वीडियो वायरल होते ही लोगों ने नाम भी बता दिया कि नाम क्या है, दिनेश कुशवाहा, और वो पूर्व पार्षद का पति है। उसके बावजूद भी साहब को नाम पता नहीं है, ये भी आप सुनिए। रामपुरा रोड से कल हमें एक गड़बड़ी मिली थी, जिसके नाम पता ज्ञात नहीं होने से उसको फिजर में रखवाया था, और डेड बॉडी को मर्ग कायम करके आज हमारे द्वारा PM कराया गया था। रात में ही हमारे द्वारा मृतक के फोटो को वायरल किया गया था, और हर संभव प्रयास कर मृतक के परिवार का नाम हमने ज्ञात किया था, जिनका नाम भंवरलाल जैन निवासी ग्राम सरसिंह जावरा रतलाम के होना पाया गया। मृतक के परिजनों को सूचित करके आज प्रातः हमारे द्वारा PM कार्रवाई की गई थी, और PM कार्रवाई कराकर उनकी डेड बॉडी को उनके परिवार के जिम्मे उनको संस्कार हेतु दी गई थी। आज दोपहर में मृतक के भाई राकेश जी जैन को उनके मोबाइल पर एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें उनके भाई भंवरलाल मृतक को एक व्यक्ति मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद सुशांत ABP में काम करते हैं, वो भी लिखते हैं कि MP के नीमच में दिल दहलाने वाली वारदात है, बुजुर्ग को मुसलमान समझकर मार डाला गया, मारे गए शख्स का नाम भंवरलाल जैन है, जैन को सिर्फ मारा नहीं बल्कि पिटाई का वीडियो भी बनाया गया, पीटने वालों ने पूछा क्या तुम मुसलमान हो। मामले में BJP नेता और साथी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। सुशांत आगे यह भी लिखते हैं कि धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर देना हैवानियत से कम नहीं है, आखिर लोगों में इतना जहर आ कहां से रहा है, एक मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्ग को पीट कर मार देना कहां का धर्म है, क्या चुनावी राजनीति के लिए इंसानियत को तिलांजलि दे दी गई है। ब्रजेश राजपूत भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं
कि नफरत की खेती नीमच के मानसा में एक बुजुर्ग को मुसलमान होने के शक में बुरी तरह पीटा। जैन समाज के बुजुर्ग की जान गई। पुलिस ने पीटने वाले भाजपा नेता दिनेश कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश जारी रखी। ये प्रक्रिया है गिरफ्तार करने की, जारी है, जांच बैठा दी गई है, जांच होगी। ये तमाम तरह की बातें आप सुनने की आदि हो गए होंगे। खैर, हम लास्ट में एक ट्वीट इसलिए रखा, अशोक कुमार पांडे लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने लिखा कि चुनाव आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में खूनी खेल खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है सब जानते हैं, सब लिख रहे हैं, मुसलमान समझकर मार डाला गया। अगर यहां गरीब मुसलमान होता तो मारना जायज होता। किसी को सिर्फ उसके धर्म के लिए मारना जायज है, हैवानियत है यार। ये ट्वीट मैंने भी इसलिए लास्ट में रखा, अंतिम में रखा, ताकि आप मुझ पे भी मुस्लिम पक्षधर होने का आरोप ना लगा देते कि एक मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मॉब लिंच के घाट उतार दिया जाता है। और जो लोग मॉब लिंच के घाट उतारते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनको कुछ दिनों के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है और उनका पुरजोर स्वागत किया जाता है, दिल खोल के स्वागत किया जाता है, माले पहनाए दिए जाते हैं, भाजपा में शामिल करा दिया जाता है। भाजपा में एक ऐसी मशीन है कि आप एक तरफ से आरोपियों को डालिए, दूसरे तरीके तरफ से वो एकदम सफेद और चकाचक कहते हैं कि इंसाफ पसंद बनकर निकलते हैं, देशभक्त निकलते हैं, धर्म हितैषी निकलते हैं। वही हो रहा है। अगर वो मुसलमान होता तो उसको मार दिया जाता, तो वो जायज करार दिया जाता, क्योंकि मुसलमानों की हत्या को जायज करार दिया गया है। मुसलमानों को मॉब लिंच के घाट उतार दीजिए, मुसलमानों को मार दीजिए, धर्म हित में सब जायज है। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो, अगर मुसलमान होता तो मध्य प्रदेश के मंत्री साहब भी शायद उस बीजेपी नेता के बचाव में उतर जाते कि गलती से उस बुजुर्ग की मौत हो गई है। या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा जाता कि बुजुर्ग को मारने से मौत नहीं हुई है, बल्कि मार पिटाई के दौरान दोनों पक्ष में हाथापाई होता है और बुजुर्ग को चोट लग गई या भीड़ ने उसे मार दिया। कोई एक पक्ष इसका गुनहगार नहीं है, कोई एक व्यक्ति इसका गुनहगार नहीं है। सफाई बार बार दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मध्य प्रदेश में ये सब वीडियो या अलग अलग राज्यों की वीडियो आप देख रहे होंगे। इस तरह की खबरों पे हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काशी में विश्वनाथ मंदिर में और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग बरामद कर लिए गए हैं। शिव बाबा, बाबा भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए हैं। हम ऐसी खबरों पे बात नहीं करेंगे क्योंकि काशी के बाद मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे वहां पे भी कृष्ण जी छुपे बैठे हैं। कृष्ण जी को दबा दिया गया है, वहां भी मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया है। ऐसी खबरों पे हम बात इसलिए नहीं करेंगे, ऐसी खबरें आपको हम इसलिए भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिर दबा है। कुतुब मीनार के नीचे भी हमारे देवी देवताएं और आस्था को दबा दी गई है। हम ऐसी खबरों पे बात इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद पे भी हमारा कब्जा है, मालिकाना हक है। दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे महावीर मंदिर है, उसकी भी खुदाई जरूरी है। इसलिए हम ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि नफरत परोसने का हमारा काम है और हिंदू मुसलमान के नाम पे दुकानदारी चलाना हमारा काम है। तो देखते रहिए हमारी दुकानदारी को और सराहते रहिए कि कितने बढ़िया हम पत्रकार हैं, एंकर हैं, काशी पहुंच गए हैं, काशी से खबरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे, लखनऊ के गांधी मैदान में छात्र छात्राएं, महिलाएं धरना दे रही है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन काशी में क्या हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए, आनंद लीजिए, भगवान विष्णु का दर्शन कीजिए, भगवान शिव का दर्शन कीजिए, भगवान राम का दर्शन कीजिए, रोजी रोजगार, रोजी रोटी यहीं से मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे भी चैनल को देख रहे हैं तो गुस्सा मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा और फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिए।